हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इस चैप्टर में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नोटबुक निकालो और मेरे साथ साथ नोट्स बनाने शुरू कर दो। तो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? अभी तक हमने चार्ज को एक पॉइंट की फॉर्म में पढ़ा। ये एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मीन्स आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर चार्ज पॉइंट की फॉर्म में नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? मान लो ये एक तार है, इस तार में चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कहलाता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक लीनियर कंडक्टर में। और जरूरी नहीं है कि ये लीनियर कंडक्टर में ही हो, किसी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मेटल की शीट है, हालांकि ये है ये एक पेपर, लेकिन आप अज्यूम करो ये मेटल की शीट है और इसमें चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी कहलाता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थ्री डायमेंशनल के केस में मान लो ये एक क्यूबॉइड है और इस बॉडी पे थ्रू आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस बनता है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के हो गए हैं। तो पहले तो देख ले कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा क्या है, जो बोला है वही लिख दिया है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर ओवर द सर्फेस ऑफ ए मेटल शीट और थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल कंडक्टर। समझ गए? लीनियर फॉर्म में होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या मेटल शीट के सरफेस पे, या कह लो किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब इसके तीन टाइप्स कौन से होते हैं? थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल तो ये कहलाता है वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहलाता है टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीसरा क्या होगा बताओ, आप खुद ही समझ गए होगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या कहलाएगा? थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आ गई ये बात आपको समझ में। अब इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? तो इसे रब कर देते हैं, 2 सेकेंड का समय दिया जाता है, आप पॉज करो और नोट कर लो। चलो करो। तो पहले टाइप की बात कर लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका एग्जाम्पल है एक स्ट्रेट वायर। मान लो ये स्ट्रेट वायर है और इस पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज कितना है? क्यू चार्ज। इस वायर की लेंथ है एल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसी तरीके से इसे डिफाइन भी करते हैं।
चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू इज द चार्ज, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सही है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इस एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। बोर्ड में अगर कुछ लिखने को आ जाए इसके बारे में तो ये एग्जाम्पल जरूर मेंशन कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये तो फर्स्ट था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सही। सेकंड क्या था बताओ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एग्जाम्पल होगा एक मेटल की शीट। ये एक मेटल की शीट है, पॉजिटिव चार्ज इसमें कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सोच रहे होंगे कि सर जो है पॉजिटिव चार्ज ही बनाते हैं, ऊपर भी पॉजिटिव बनाया था यहाँ पर भी, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज देखने में अच्छा लगता है, बेहतर समझ में आता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो लिख लो ये क्या है, एक मेटल की शीट, मेटल शीट। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं वो है सिग्मा, और इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया से, चार्ज पर यूनिट एरिया। शीट का एरिया कैलकुलेट कर लो, चार्ज से डिवाइड कर दो, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इससे एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा यूनिट देख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। बिल्कुल सही, आगे बात समझ में, सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या होगी बताओ, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया आपने, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये नोट डाउन कर लो बच्चों एग्जांपल्स, इसे मिटा देते हैं। थर्ड टाइप है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो यही बात लिख लो, चार्ज इज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, इसीलिए इसे हम 3D कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, 3D। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ये क्यूबॉइड के ऊपर, या क्यूबॉइड पर थ्रू आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखो क्यूबॉइड तो आपको बनाना आता है, ये रे, ये गए ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ये, बच्चों बताओ ये क्यूबॉइड है या क्यूब, कुछ भी हो थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखा दें, निगेटिव दिखाओगे तो हल्का लगेगा मामला, लेकिन निगेटिव चार्ज भी इक्वल मैग्नीट्यूड का ही होता है, रियलिटी में तो हल्का नहीं होता। लो साहब ये दिखा दिया हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। ये क्या है क्यूबॉइड, और रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करो, या ये कह लो कि इसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो ये है आपका टर्म जिससे आप इसे एक्सप्रेस करोगे,
इसे क्या कहते हैं, रो, रो ही तो कहते हैं, और इसको नाम दिया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसे डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट क्या, वॉल्यूम, वेरी गुड, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होगा चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी बताओ, बहुत आसान है, आपने सही बताई है, कूलम पर मीटर क्यू, सही, वी इज क्यूबॉइड की वॉल्यूम है, ये एक स्पेयर भी हो सकता है, प्रिज्म भी हो सकता है, एनी थ्री डी ऑब्जेक्ट। तो सही है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। तो आज आपने पढ़ा कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसके तीन टाइप्स, ये नॉलेज आपको इस छोटे से लेक्चर में मिल गई है। इसके जो तीन टाइप्स हैं, इन सब इनके फॉर्मूले ध्यान में रखना कि इनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा न्यूमेरिकल का पार्ट होते हैं, आगे बहुत न्यूमेरिकल आप इससे रिलेटेड फेस करोगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हों या फोर्स के हों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके के बहुत न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, बाय, सी यू।